सो हेलो टू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियोस। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब एप्लीकेशन क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड में कैसे खोल सकते हैं और वहां पे बायटी स्टूडियो को भी कैसे डेस्कटॉप मोड में खोल सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ गए। इसमें सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं हम अपना क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ऑन कर लिए। कुछ इस तरह से हमारा ये क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसमें अपना ईमेल लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च और टाइप वेब एड्रेस पे क्लिक करना होगा। इस पे सर्च करना होगा हमें youtube.com। इस पे हम सर्च कर लेते हैं youtube.com। आप लोग देख सकते हैं youtube.com। सर्च करने के बाद अभी हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अभी डेस्कटॉप मोड में नहीं खुला है हमारा। डेस्कटॉप मोड में कैसे खोलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे नीचे देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल गया हमारा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमें और कुछ काम करना होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमें अपने चैनल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर चैनल पे ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। योर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये चैनल खुल गया। इसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। कस्टम चैनल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारा खुल रहा है। जैसे देख सकते हैं बायटी स्टूडियो में हमारा खुल रहा है एप्लीकेशन, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हमारा बायटी स्टूडियो में खुल गया कुछ इस तरह से। अब आपको बताते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में बायटी स्टूडियो को कैसे खोल सकते हैं डेस्कटॉप मोड में, वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र यह हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करना होगा studio.youtube.com। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। खोलने के बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल रहा है, तो इसके बाद हम 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से डेस्कटॉप साइड में इसे खोल लेंगे। इसके बाद इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाद बायटी स्टूडियो वाला पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारा खुल रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमें कंटिन्यू टू स्टूडियो करना होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कंटिन्यू टू स्टूडियो खोलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये देखिए बायटी स्टूडियो में हमारा ये खुल गया एप्लीकेशन। यहाँ से देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सारा कुछ आप लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं यहाँ से इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।